अरे बड़े भैया है टकीला टकीला हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग सीधे हम इको टाउन से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम था। कल यहाँ जागरण था हमारे एक पीलीगुटी में, हमारे वहीं कुछ हमारे घर है उसके बगल में ही, तो मैं आ नहीं पाया यहाँ पे क्योंकि कल काम बहुत था। एक राउंड आया मैं, लेकिन उस टाइम पे बहुत भीड़ होती थी, उस टाइम पे मैंने ब्लॉक में ले नहीं पाया उसको, तो इसलिए मैं अब इस समय मैं यहाँ पे आया हूँ कि क्लोजिंग क्या क्या हो गया है करके। मुझे यहाँ पे बुलाया था कि एक राउंड आप आ जाइए, तो मैं कर देखता हूँ क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या काम बुलाया था मुझे। तो आज की ब्लॉगिंग, आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ जागरण था, ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे सब लोग पूरा तो सब कुकर बहुत अच्छे से उन्होंने तैयारी करी थी यहाँ पे। अब उन्होंने ट्रस लाइट का ट्रस भी नीचे कर दिया है, साउंड वाउंड सब खोल दिया है, कंसोल वगैरह। अब यही बचे हैं, अब ये सारी क्लोजिंग हो रही है यहाँ पे जागरण की। तो चलते हैं इसके बाद अपने बैंकेट हॉल, पहले एक ग्राउंड ग्राउंड गोदाम जाएंगे, गोदाम के बाद सीधे बैंकेट हॉल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या क्लोज है, क्योंकि वहाँ पर भी क्लोज करवाना था आज। अब आ गया हूँ मैं जैस्मिन ग्रैंड में बैंकेट में। जो कल का जो प्रोग्राम था वो यहाँ ख़त्म हो गया, जो वेडिंग पार्टी थी ऊपर वो ख़त्म हो चुकी है। अब सब कुछ यहाँ पे क्लोजिंग चल रही है। अब तो मैं पुराने फ्लोर से नीचे आ गया हूँ, तो दिखाता हूँ नीचे बैक साइड में। यहाँ पे ही पूरा कल पूरा डेकोरेशन था, पूरा सब लोग अपना सामान खोल रहे हैं, लाइट्स वाले अपने लाइट्स खोल रहे हैं, टेंट वाले टेंट खोल। यहाँ का कल का देखा था आपने, कि कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि इसमें कितना अच्छा कितना सुंदर करता है। यहाँ पे पाउंड काउंटर था, इन्होंने भी ये क्लोज़ कर दिया है यहाँ पे। अभी अपना काउंटर सेटअप क्लोज़ करेंगे। टेंट भी खुल चुका है, सब सारे ही लोग जा चुके हैं, टेंट वाले अपनी चेयर्स वगैरह पैक अप कर रहे हैं, तो सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो अब देखते हैं कि कितना है। फिर अब मैं यहाँ से जाके सीधे गोदाम जाना है, इसे गोदाम छोड़ना है सामान को, उसके बाद जाएंगे हम सीधे विंटेज। अब मैं आ गया अपने गोदाम, ये गोदाम बहुत पहुँच हो रहा था, तो ये गोदाम का सामान जो जैस्मिन और बैंगेट्स है उसको सही से संभाल लें सब लोग। तो लगे बैठे हैं सुरेश भाई लोग भी, सुमित भाई भी लगे हुए हैं, उनके पाँव में चोट लगी फिर भी लगे बैठे हैं, अरे बैठे हैं मैनेजर यहाँ हमारे पीछे, कमज़ोर हो गए आजकल ये। तो भी करते हैं अभी अपना काम, अब पहले गोदाम का थोड़ा अच्छे से लगा लेते हैं सामान, उसके बाद जाना पड़ेगा दूसरे बैंकेट, क्योंकि आज तो सब हर जगह से सामान आ रहा है। कल जागरण भी जा, जागरण भी हो गया, उसका भी सामान हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, और विंटेज में तो हमने क्लोज करके वहीं रखना है, क्योंकि परसों का 8 तारीख का हमारा प्रोग्राम है। और जैस्मिन का मैंने गोदाम ले आया हूँ, अब जाते हैं। ये मेरा खाना दाल और डुबकी, पहले खा लेता हूँ खाना, फिर जाऊँगा कहीं और। अब खा लिया मैंने खाना, अब जा रहा हूँ जरा एक जगह, जरा किसी कॉल आई है तो पहले रिचार्ज करा लेता हूँ फ़ोन में, रिचार्ज ख़त्म हो गया है, पहले उनकी दुकान जाता हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा दूसरी जगह। बहुत पेट डम हो गया आज ना, सही से लगाओ ने ये गोदाम में हमारा, अभी तो पूरा सामान पूरा कितना गंदा हो रहा था, अब सामान को सही से लगा दिया इन लोगों ने, झूमर सारे ऊपर सेट कर दिए हैं, LED भी लग गई है यहाँ पे, पेटियों में पैक कर दिए अभी लगे हैं, अब अब सही हो गया है। अभी तक तो जगह अंदर जाने की जगह नहीं हो रही थी यहाँ, सुमित भाई ने पूरा अकेले संभाल दिया, ऐसे अच्छे से कर दिया। अब मैं आ गया हूँ सीधे विंटेज ग्रीन बैंकेट हॉल, घर से खाना आना खा लिए, खा के सीधे मैं अभी यहीं को आ गया, क्योंकि गोदाम को भी सेटअप करवा दिया था, अब सीधे आ गया विंटेज ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे भी कल वेडिंग पार्टी थी वो हो गई ख़त्म। तो सब लोग अपने सामान को क्लोज़ कर रहे हैं, सब लोग अपने सामान को पैकअप कर रहे हैं, ये पीछे को कल मैंने दिखाया था आपको कैसा डेकोरेशन था, अब यहाँ पर सब लोग पैकअप करने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं अभी बचा हुआ है सब काम, अभी सबका थोड़ा थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद सब लोग अपने घर चले जाएंगे, शाम तक फ्री हो जाएंगे लोग यहाँ पे। तो अब हो रहा है यहाँ पे काम फिनिश हो चुका है लोगों का, अब 2-4-8 तारीख का प्रोग्राम है यहाँ पे, तब हम तब आएंगे, तब किसी और की वेडिंग होगी, क्योंकि हम तो फिर किसी ना किसी में हमारा काम ही ऐसा है कि वेडिंग पार्टीज़ हो गए और किडी पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, हर जगह हमारे काम रहते हैं, तो जाते रहना पड़ता है। तो अब यहाँ पे भी क्लोज़ हो गया है, तो यहाँ पे कभी क्लोजिंग करवाने के बाद देखता हूँ अब कहाँ गए जो काम कर रहे थे हमारे टीम मेंबर्स, उन्हें ढूंढता हूँ, वो इतने आराम से मिलेंगे नहीं। अब खुल गया यहाँ का पूरा सामान, पूरा लोन क्लीन हो चुका है, सब लोग अपने ड्रेस अपने अपना 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 पैकअप कर लिया है, लास्ट हो चुका है। अब हम भी जा रहे हैं अपने गोदाम,
हमें लास्ट से एक राउंड गोदाम लेना पड़ेगा, उसके बाद म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। डीजे का जो सामान था ये भी पैक्ड होगा अभी, ये मतलब लोड होगा, पैक तो हो चुका है, लोड होके सीधे गाड़ी में जाएगा, उसके बाद जाएगा गोदाम में भी, क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, परसों को दोबारा अगेन चेंज होके आएगा। अब यहाँ को भी पूरी गैलरी भी खुल चुकी है, उस सामने वहाँ गाड़ी लोड हो रही है अभी यहाँ की लास्ट गाड़ी, और बैक साइड में देख लेते हैं यहाँ भी जो वेडिंग पार्टी के जो लोग थे उनके घर के वो लोग, उनकी भी गाड़ी खड़ी है, वो भी जाने को तैयार बैठे हैं। अब वहाँ का डीजे उधर से लोड कर लेते हैं, क्योंकि हॉल में सिस्टम अलग लगा हुआ था और यहाँ सिस्टम अलग लगा हुआ था फील्ड के लिए, तो वो सिस्टम भी लोड करके अब सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, अपने गोदाउन को, जिनको गोदाउन जाना है गोदाउन, और जिनको अपने घर जाना है घर जाएंगे, क्योंकि अब नवंबर में थोड़ा हल्का ही वो है, तो इसलिए अब सब लोग अपने अपने पैकिंग कर रहे हैं फटाफट। कितने लोग ऐसे दिवाली में घर नहीं गए थे, क्योंकि दिवाली के समय भी काम पड़ गया था, तो सब पैकिंग हो चुकी है, सब जाने के घर हैं, सब एक्साइटेड हैं कि अपने घर को जाने को। अब जा रहा हूँ मैं अपने घर को, गाड़ी स्टार्ट कर दी है बाइक में ही, जाता हूँ पहले गोदाम, पीछे से मेरी गाड़ी आ रही है, शुरू है यहाँ पर, तो क्या काम खत्म, अब जाते हैं गोदाम, देखते हैं कि गोदाम में कितना बचा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर का काम भी स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ भी जाना है। तो मुझे लग गई भूख, तो मैं पी लेता हूँ सूप, ये सूप है गढ़ुए का, बकरे की टांग, ठंडी ठंडा बोल रहे तो गर्मी बढ़िया हो जाती है इससे, कि आदमी का जुकाम उकाम हो जाता है, तो गर्म सूप होता है, इसको पीना चाहिए, तो चिकन सूप से बढ़िया हुआ गर्मे का सूप, बकरी के टांग होगा। अब पहुंच गया हूँ मैं घर, मतलब गोदाम आ गया हूँ, ये मेरे पीछे खेत करने जा रहा है, और समय हमेशा मॉर्निंग में सुबह देखते हैं, लेकिन इस समय में शाम हो गई है, अब पहुंच गया, क्योंकि और दिन तो फिर यहाँ से सीधे जाने के बाद फिर सुबह ही आते थे, क्योंकि रात हो जाती थी 2-3 बज जाते, तो सीधे घर चले आना, तो इस समय गोदाम पहुंच गया हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ अब अपने घर जाता हूँ, क्योंकि सब लोग का काम कंप्लीट हो गया है, पैकअप कर दिया है, तो अब जाता हूँ सीधे घर, कपड़े चेंज करता हूँ, जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है शाम को, तो मैं एक ही चीज़ ना घूमना कहीं जाता नहीं हूँ, तो मैं एक्सरसाइज थोड़ा वर्कआउट करने चले जाता हूँ, तो बहुत दिनों बाद मुझे फिर 8-10 दिन बाद फिर मुझे 5-6 दिन हो गए थे, हाँ ज़्यादा हो गया, तो मैंने एक्सरसाइज नहीं की, तो थोड़ा हल्का सा मैं थोड़ा जाता हूँ कि अच्छा सोच रहा हूँ कि जिम चले जाऊँ, हल्का सा एक्सरसाइज कराऊँ, क्योंकि मेरे को जब भी टाइम मिला तो बस एक ही ऐसा है कि मन करता है कि जब भी मैं फ्री हूँ तो मैं एक्सरसाइज ज़रूर करूँ, मैं वर्कआउट करने ज़रूर जाऊँ, तो अब मैं घर जाता हूँ, हल्के कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद जाऊँगा जिम, फिर थोड़ा आधा घंटा 45 मिनट से 1 घंटा मैं अब जिम में थोड़ा टाइम वेस्ट करूँगा, वहीं अपने एक्सरसाइज वगैरह करूँगा, और लोगों से बहुत दिन हो गए, लोगों से अपने फ्रेंड लोगों से मैं मिला नहीं हूँ, तो उनसे भी मिल लूँगा, तो भाई सब जाता हूँ मैं पहले घर, उसके बाद जाऊँगा जिम। जा रहा हूँ घर को, यह प्लाजो आ गया, लाइट जल गई है यहाँ पे भी, यार मॉर्निंग के सुबह के समय आपने देखा होगा मेरे उसमें कि मैं यहीं से क्रॉस करता हूँ रोड, नीचे गोदाम को जाते समय, और लोग यहाँ पे सब लोग घूमने आए हैं, सभी लोग घूम रहे हैं, शाम के समय सब लोग घूमते हैं ये जगह को, क्योंकि खाली रोड रहती है, तो लोग घर जाना आना जाना कर रहे हैं, तो मैं भी घर को जा रहा हूँ। अब जिम में एक्सरसाइज का मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, मैं आया था जिम में, तो मैंने थोड़ा बहुत आज मुझे टाइम मिला तो मैं आ गया था यहाँ पे, तो सभी लोग, भीड़ कम है अभी, आज ज़्यादा लोग तो है नहीं अभी, क्योंकि मैं देर से आया था, तो लोग हैं तारिक भाई लोग, भैया लोग जो हमारे हैं बड़े, वो लोग सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पे, तो मैं चलता हूँ, मेरी एक्सरसाइज तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं पावर भी नहीं आई, क्योंकि थक जाता हूँ दिन भर काम करते करते, तो इधर उधर भाग दौड़ी में, तो थोड़ा बहुत वर्कआउट करना ज़रूरी है, जितना भी थोड़ी जो भी पावर बची, मैंने 1 घंटे की एक्सरसाइज तो कर ही ली है, हल्की सी रनिंग वगैरह। ये तारिक भाई हैं, हंस रहे हैं हम पे, ये भी बोल दूँ भाई, ये हमारी मजाक बना रहे हैं। ओके, तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अब मैं चलता हूँ घर को, फिर खाने के लिए जाना है, एक्सरसाइज तो हो गई मेरी, अब जा रहा हूँ मैं घर को, फिर पहुँच गया हूँ मैं खाली रोड, अब जा रहा हूँ सीधे घर को, पहले जाता हूँ अपने दोस्त के यहाँ, नीचे के यहाँ, जरा उसके यहाँ मिलता हूँ, उसके बाद जाऊँगा, अभी गोपी भी आने वाला है तो उससे मिलना है, उसके बाद जरा आप देखते हैं कि घर में चिकन बनाएंगे या आ जाएंगे घर के लिए, तो खाने बाहर ही जाना पड़ेगा, देखते हैं वहाँ पे जाते हैं, वो बताएगा भी आके रहा कि मुझे अभी आधा घंटा लगेगा, उसके बाद हम जाएंगे, फिर आप देख लेंगे आया कि ब्लॉग में कि हम मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ। अब जा रहे हैं मुकेश दा भैया आ रहे हैं, जब तक हम लोग जा रहे हैं अपने घर को, दूसरे जो भी नया घर बनाया था देवेंद्र, हम लोग साथ ही में ही हैं, क्या क्या पीछे भी घूम रहा है, सुबह चले जाऊँगा, देखते हैं लालू कहाँ है, अभी आया नहीं आया, उससे काम था थोड़ा, उससे उससे उसने बुलाया था,
तो भाभी और लालू से मिल के आते हैं। तो ये भी हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं, गाड़ी घर में खड़ी करती है। वहाँ से हमारा दूसरा ये अलीगढ़ तक का पैदल ही रास्ता है, अगल बगल ही है, थोड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम जा रहे हैं अभी, ओके अभी जाते हैं। ये घर के आइए, पता नहीं आज कौन लगाया है नो पार्किंग बोर्ड, कोई लगा नहीं है, मैंने लगवाया। ये पता नहीं कौन लगा गया, गाड़ी यहाँ खड़ी कर दे रहे हैं इसलिए नो पार्किंग बोर्ड लगा रखी है। घर के आगे कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेगा यहाँ। अभी कौन लगा गया, पता नहीं कौन, सभी को लगा गया। ये कह रहा मैंने लगवाया, सबके घर में लग गए, घर में मैंने लगवाया। अबे हाँ सबके, तो नो पार्किंग से अच्छा ये अपना वो कर रहे होंगे प्रचार। भी चाहिए होम लोन नहीं चाहिए हमको, हम खुद हम लोन दे रहे हैं। मुकेश दा भी आ गए हमारे वहाँ, अब जा रहे हैं हम घूमने मुकेश दा के साथ। मुकेश भाई नहीं, मुकेश चाचा हुए, मुकेश दा के इनके इनके चाचा हैं, हमारे बड़े भैया हैं। टकीला 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 पूरा तैयार है, कौन कभी रोमी जा रहे हैं घूमना। टकीला दिखा दो जरा अपना हम बहुत रोज घूमने जाते थे पहले, हम बहुत टाइम बाद आज घूमने जा रहे क्योंकि आज है काम कम था, कंपनी था मौजूद छुट्टी में गई, तो हम जो है साथ में घूमने जा रहे हैं। तो क्या अपनी कंपनी देखो, तो हम लोग सब जा रहे हैं साथ में घूमने। कपिला ये हमारे वहाँ का ये पानी रोड आ गई है, जा रहे हैं अभी घूमने। तो भाई आज ये पार्टी करवाने बताने कहीं जा रहे, कह रहे तो मैं आइसक्रीम ठंडा खिलाता हूँ। हमारे लिए पहले से ही बहुत कुछ करते रहते थे, तो आप बहुत टाइम बाद अब हम दो सब लोग दो दो डिवाइड हो गए थे, जगदा के साथ ये देवेंद्र वहाँ डिवाइड हो गया बुलेट में, और हम लोग अमिता के साथ हम लोग नहीं जा रहे हैं साथ में। हमारे चाचा मिला है हम, ये डोमिनोज खुला हुआ है अभी रात में, अभी 10 बजे तक बड़ी देर तक खुला हुआ है। दादा बताइए आपको, सब लोग आप लोग सब लोग जा रहे हैं, जमुना भी है, देवेंद्र रविंदर सब लोग हैं। पूरी रोड अभी मार्केट अच्छे चली रही है, अभी क्राउड भीड़ बहुत ही है मार्केट में, अभी चल ही रहे 10 बज गए, ऐसा लग नहीं रहा 10 बज गए, पहले तो रोड लोग सो जाते थे, आज तो पता नहीं कैसी भीड़ हो रही है। अब लोग हम आ गए गुलाटी, हाँ हाँ चिकन रोल खा लेते हैं हम लोग। मुकेश मुकेश दा लोग अभी सामान ले रहे हैं यहाँ से, तो यहीं खाना खा लेते हैं। गुलाटी में पहुँचे हैं भैया लोग, देवेंद्र भी अंदर है ले रहे हैं, जगू तो वहाँ बैठे हैं। तुम कहते मान ले क्या मंगाना है, ठीक है कल अपडेट हो। तो रोल यहाँ से ले रहे हैं एडवांस, ये आ गया मेरा रोल, ये जगू दा का भी रोल आ गया है, ये भी इसका रोल आ गया है। तो हम लोग अरे कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, तो पहले खा लेते हैं उसके बाद शॉट करेंगे। तब हमने खाना वाना खा लिया, गुलाटी गए थे, गुलाटी से अब सीधे जा रहा हूँ मैं अपने घर, घर जाता हूँ, घर जाके अब एडिटिंग वगैरह करूँगा आज टाइम से, क्योंकि आज भी जल्दी मैं टाइम से फ्री हो गया हूँ, क्योंकि काम अब ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अभी काम कम ही थे, तो कल ही थे जो उसकी क्लोजिंग वगैरह करवाई थी, अब सीधे जा रहे हैं घर, घर घर जाके एडिटिंग, घर उसके बाद सो जाऊँगा टाइम से, क्योंकि सुबह टाइम से जल्दी उठना पड़ता है। तो अब मैं पहुंच गया हूँ अपने घर, तो तब तक सब मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए गुड नाइट, क्योंकि अब रात हो गई है, सो रहा हूँ। हाँ जल्दी आ गया हूँ, अभी 11 ही बज रहा है, क्योंकि घूमने वूमने गए थे हम अभी, खां थोड़ा गुलाटी तक, यहीं पे हमारे बगल में रेस्टोरेंट पड़ता है, तो वहीं घूमने गए थे, तो मुझे था लोगों ने कहा कि आप चलते हैं, मैंने ठीक है चलते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने, पहले एडिटिंग वगैरह करूँगा, जैसे कि आपको रोज़ का पता है कि मुझे एडिटिंग करनी होती है मुझे, फिर उसके बाद मैं सो लेता हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगा सो, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि मगर मैं देर से भी सोऊंगा तब भी मुझे जल्दी उठना है, अगर जल्दी भी सोऊंगा तब भी मुझे जल्दी ही उठना है। तो ओके गाइस बाय बाय, एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब आप करते क्यों नहीं, एक लाल बटन दबाने में गया जाता है, एक मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके तब तक बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय, गुड नाइट, बाय।